गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिएटिकॉन वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्रिएटिकॉन वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ जाता है। तो दोस्तों, पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्रिएटिकॉन वीडियो होता क्या है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, मतलब यूट्यूब पर जाएगा। यूट्यूब पर जाने के बाद वहाँ पर आप देखना कि क्रिएटिकॉन नाम का एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रिएटिकॉन, यहाँ पे इसको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा, इसके बाद जितने भी वीडियो आ जाएगा ये सब क्रिएटिकॉन वीडियो है। लेकिन इसमें भी, मतलब क्रिएटिकॉन वीडियो में भी कॉपीराइट स्ट्राइक आजकल आ रहा है, लेकिन आपको जैसे पता है कि क्रिएटिकॉन वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। तो क्रिएटिकॉन वीडियो में की कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे आपको पता है कि आपके पास जो जिसके जिसके पास भी आपका मतलब यूट्यूब चैनल है, कि यूट्यूब हमें दो तरह के लाइसेंस प्रदान करता है। एक होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस, जिसे हमें अपना खुद की कंटेंट बना के उसको अपलोड करना पड़ता है, और दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, जिससे हम दूसरे के किसी को वीडियो को, मतलब किसी दूसरे के कंटेंट को हम कॉपी करके अपलोड कर सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है, अगर ज़्यादा व्यू हुई तो। तो अब हम जानेंगे कि क्रिएटिव कॉमन वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिएटिव कॉमन वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ जाता है। जैसे आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि यूट्यूब हमें दो तरह के लाइसेंस प्रदान करता है, एक स्टैंडर्ड लाइसेंस और दूसरा होता है क्रिएटिकॉन लाइसेंस। कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी किसी के कंटेंट में देखते हैं कि वो वीडियो अलाउ किया हुआ है, क्रिएटिकॉन है, हम उसको लेके मतलब अपलोड कर देते हैं, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम क्या बताओ, उसने जिसके पास से वीडियो लिया है, मतलब उसके असली कॉन्टेंट जिसके पास है, उसने उस वीडियो को अलाउ ना किया हो तो। हाँ, ऐसा ही होता है कि मतलब जिसके वो असली कंटेंट होता है, उसने उस वीडियो को अलाउ नहीं किया, लेकिन किसी दूसरे ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको अलाउ करके छोड़ दिया यूट्यूब पे, और हम उसको देख के, मतलब उसके पास अलाउ किया है, उसको देख के हम उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस वीडियो का जो असली जो कॉन्टेंट जो है, जिसका हक है उस वीडियो का असली हक है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस वीडियो के मालिक उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप जिससे वो वाला वीडियो डाउनलोड करते हो उसको भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगा हुआ होता है, और उसके बाद आप उस सेम वीडियो को कॉपी करने के लिए आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे टी सीरीज़ का एक गाना मैंने कॉपी करके मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, और उस पर मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का इस्तेमाल कर दिया, और आपने मेरे चैनल से वो गाना ले लिया, कि आपने देखा कि एक गाना है जिसमें क्रिएटिव कॉमन लगा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो गाना टी सीरीज़ का है, ठीक है। अगर आप मेरे उस गाने को कॉपी करके आपके यूट्यूब चैनल पर आप अपलोड करोगे तो तभी आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा, ठीक। तो इसलिए इस तरह ही कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है क्रिएटिकॉन वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।